इस के जिम का बदलाव पूरा हो चुका है, लेकिन माय फ्रेंड यहाँ पे जो है ना बदलाव वो सिंथिया से नहीं एलान से पूरा हुआ है। जैसे ही उसने सिंथिया को हराया, एलान का बदला इस के जिम का लुकाडुगा निंजा का सबका पूरा हो गया। नहीं मानते? अरे यार बताना पड़ेगा तुमको। और साथ में यार ग्रीन निंजा से रिलेटेड काफी अच्छी न्यूज तो नहीं है, एक बुरी न्यूज है जो एक ग्रीन निंजा फैन को सेड कर देगी, आई एम सॉरी। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और काफी बड़ी न्यूज है सिंथिया की जवानी से, आई मीन जब वो यंग थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ यार, गलत मत समझो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि सिंथिया जब इस प्लेस पे आई थी उसके फ्लैशबैक हमको दिखाया गया, उसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल था। तुम्हें नहीं पता, बहुत सारी बातें करनी है यार, शुरू करते हैं फटाफट, सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला न्यूज आता है एलान के बदले से। तो हाँ, पहला फैक्ट यहाँ पे ये है कि अपने लुकायो ने जिस पोकेमोन को हराया गार्चोंग को, वो ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा सेम टू सेम बैटल हमने ग्रीन निंजा वर्सेस मेगा चार्जर एक्स के केलोस पोकेमोन लीग के फिनाले में देखा था। वो सेम टू सेम बैटल को यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पे चार्जर एक्स की जगह था गार्चोंग जो कि यार ड्रैगन क्लो का यूज कर रहा था, और ग्रीन निंजा की जगह था लुकायो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अपने लुकायो ने बाई यार डिफीट कर दिया ड्रैगन क्लो के यूजर को, वहीं पे ग्रीन निंजा फेल हो गया था। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि यार लुकायो ने अपना बदला तो पूरा किए किया, साथ में ग्रीन निंजा का एस का एलान से बदले को भी पूरा कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे हमको एक काफ़ी बड़ी बात देखने को मिली कि यार टीचर से ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट बन चुका है, मतलब लुकायो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं यहाँ पे जब सिंथिया जो है ना डियाल्गा पालकिया के जो ये आर्टिफैक्ट है यहाँ पे आई थी, यहाँ पे हमको देखने को मिला कि यार सिंथिया खड़ी है, लेकिन ये थोड़ी सी यंग है, मतलब 10 साल की मुझे लग रही है। यहाँ पे जब एस खेचन की एज की सिमिलर मुझे ये लग रही है, मतलब एक खेचन की तरह ये भी ट्रैवल करा करती थी। और इसकी आउटफिट देखो यार, ये बंदी कमाल की है, फैशनेबल है, आई मीन इसके कपड़े देखो यार कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है यार, ये कपड़े वो कपड़े भाई डिजाइन में A1 है यार। तो मैं सिंपिंग कम करता हूँ, बट यहाँ पे ये काफी अच्छा पोस्ट जो है ना इसका रेफरेंस है सिंथिया के एंचेस्टर वोलो से। फिर बात करते हैं अगली डिटेल के बारे में, और वो ये है कि सिंथिया यहाँ पे इसलिए हारी बिकॉज यार ये स्टीवन की कॉपी कर रही थी। अरे अरे बहुत सारे र्यूमर चल रहे थे कि यार सिंथिया और स्टीवन डेट कर रहे हैं, मतलब सिंथिया का बॉयफ्रेंड स्टीवन है। अरे सिंथिया यार स्टीवन में कुछ नहीं रखा है यार, वो बंदा बेकार है, वो हार चुका है। बट एक और बात ये है कि स्टीवन जो है ना एस किचन से भी ज़रा पॉपुलर है। एक मैगजीन आई थी जिसमें स्टीवन काफ़ी पॉपुलर था, इसके ऊपर भी और बात करेंगे। बट यहाँ पे स्टीवन जो था ना एस के मुकाबले के अंदर पहले विनिंग पोस्ट दे रहा था, बोल रहा था कि भाई अपन बेस्ट है, अपन जीतेगा, लेकिन नहीं, ये सेम टू सेम पोज सिंथिया ने भी किया, ये हार गई। अरे भाई ये स्टीवन चचा जो है ना पत्थर बेचने वाला काफी खतरनाक है, बैड लक है भाई, सेम टू सेम पोज किया तो सिंथिया भी हार गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि यार जीत से पहले कभी भी विक्ट्री पोज नहीं करना चाहिए, एक है जम इसलिए तू जीत गया बता रहे लाया मैं। और साथ में यहाँ पे जो हमको सीन दिखाया गया ये काफी अच्छा रेफरेंस था फ्लैशबैक का, जहाँ पे हमको देखने को मिला था पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 40 में सिंथिया ने बोला था कि यहाँ पे वो बचपन में आया करती थी, ट्रेनिंग करा करती थी। तो यार सिंथिया की वो बात सच थी, ऐसे नहीं कि हवा में डायलॉग लिख दिया तो लिख दिया, ना वो सच्ची बात थी। और पोकेमोन जर्नीस ने प्रूव कर दिया कि पोकेमोन में कंटिन्यूटी है, जो लोग बोलते हैं ना भाई पोकेमोन बच्चों का है कंटिन्यूटी नहीं है, ये लो बे कंटिन्यूटी आ चुकी है, डायमंड एंड पर्ल कितने सालों पहले आया था, अब उसके सपने को पूरा कर दिया है। वैसे जर्नीस यहाँ पे आओ, अगर तुम्हें इतनी ही कंटिन्यूटी है तो बोन डिवोल्यूशन को तुम कैसे भूल गए? तो ये यहाँ पे ग्रीन निंजा फैंस के लिए एक सैड न्यूज निकल के आती है कि यार जो हम लोग बोल रहे थे कि बोन डिवोल्यूशन कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे डायलॉग कंटिन्यूटी सिंथिया का इन्होंने कर दिया लेकिन ग्रीन निंजा का नहीं किया, जिसके लिए मैं सैड हूँ। और इससे एक बात और प्रूव हो जाती है कि हाँ बोन डिवोल्यूशन कैंसिल हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों किया पोकेमोन वालों, अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर। फिर बात करते हैं अगली डिटेल के बारे में, यहाँ पे हमको दिखाया गया कि पोल सिंथिया एस केचम इस आर्टिफैक्ट के सामने खड़े हैं, और यार सिंथिया ने डायलॉग बोला था कि यार हम जरूर यहाँ पे आए हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट सीखेंगे, अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और हमको जर्नी सीरीज में तीनों बंदे दिखाए गए अपने सपने को पूरा करते हुए, तो यहाँ पे डायलॉग कंटिन्यूटी दोबारा से निकल के आती है। अब बात करते हैं पोल के बारे में, पोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था सिनो से, मतलब पोकेमोन वालों ने सिनो से ही प्लान कर दिया था कि जर्नी में हम तीनों को दिखाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज यार सिनो
सीजन में उन्होंने यार पोकेमोन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज मास्टर टूर्नामेंट को हिंट कर दिया था। और यार अगर पोल नहीं होता तो एस किचन कभी यार पोल से मुकाबला नहीं कर पाता। अगर पोल से मुकाबला नहीं कर पाता तो बुलेट पंच नहीं सीख पाता गैडोज के सामने। अगर बुलेट पंच सीख नहीं पाता तो वो सिंथिया को हरा नहीं पाता। अगर सिंथिया को हरा नहीं पाता तो एस किचन अभी बाहर हो जाता। तो सोच सकती हो ना पोल कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमको फ्लैशबैक सीन में अपनी सिंथिया जब यंग थी, जब वो चैंपियन बनने की राह पर थी, वो यार राइफेलियर से मुकाबला कर रही थी। यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेफरेंस है कि राइफेलियर किसका हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई टोबायस और सिंथिया का मुकाबला है, बट ऐसा नहीं है। टोबायस और सिंथिया जो है बहुत बाद में जब सिंथिया चैंपियन बन गई थी उस टाइम मिले थे। यहाँ पर तो सिंथिया चैंपियन बनने के लिए खुद मुकाबला कर रही है, तो डेफिनेटली ये राइफेलियर जो है दो लोगों का हो सकता है। पहला होगा पाल्मर का, जो कि यार बेरी के फादर है, बैटल फ्रंटियर है, तो यार उनसे मुकाबला कर रही होगी। एक समय पे वो चैंपियन भी रहे होंगे। या फिर यहाँ पे बर्था का ये हो सकता है, बर्था जो है ना वो इलाइट फोर की मेंबर है। तो ऐसा हो सकता है कि सिंथिया ने बर्था को हरा दिया, बर्था चैंपियन थी और चैंपियन से नीचे गिरकर वो बन गए इलाइट फोर बिकॉज सिंथिया ने उसकी जगह को खा लिया। ये काफ़ी अच्छा रेफरेंस है, मुझे मज़ा आया। फिर बात करते हैं अपने मिस्टी का रेफरेंस के बारे में। पोकेमोन वाले बहुत दिनों से मिस्टी के रेफरेंसेस को दे रहे हैं, टोगेकिस मिस्टी का रेफरेंस है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे यार टोगेकिस के एयर स्ट्रीम के अंदर लुकारो चला गया और ओरा स्पीड किया, ये रेफरेंस था पिकाचू का और मिस्टी का मुकाबला सन एंड मून। और तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊँ, एस वर्सेस सिंथिया का जो मुकाबला हुआ था ना वो भी यार 14 सितंबर को, मतलब इसी वीक के आसपास हुआ था 2017 में। तो पोकेमोन वाले एक बार फिर से रेफरेंस कर रहे हैं कि ये मिस्टी के बैटल से कंपेरिजन है, यानी कि पिकाचू भी मिस्टी के गैडोस के वाटर गन के अंदर चला गया था। अब यहाँ पे उसने सेम टू सेम चीज़ की टोगेकिस के सामने, वो भी मिस्टी का रेफरेंस है। तो यार मिस्टी के फैन नाराज मत दो, मिस्टी नहीं आ रही है, आई नो दर्द होता है, पीड़ा होता है, मैंने मेरी सारी गर्लफ्रेंड मैंने मेरी सारी पोके गर्ल्स को देख लिया और मैंने मिस्टी को नहीं देखा जर्नी सीरीज के अंदर, बुरा लगता है यार। अब फाइनल मुकाबला लियोन वाले मुकाबले में अगर मिस्टी आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। पोकेमोन वालों यहाँ पे आओ, तड़पाना कम करो हम फैंस को, दिनों से मिस्टी के रेफरेंसेस मार रहे हो, उसको वापस तो लेके आ जाओ यार। बट हाँ यहाँ पे ये रेफरेंस था। लेकिन एक और काफ़ी बड़ा रेफरेंस है कि एलोरा पोकेमोन लीग में और वर्ल्ड कॉन्डिशन सीरीज के दोनों मुकाबले में यहाँ पे दोनों डॉग पोकेमोन ने एस किस्म को जिता लिया, मतलब दोनों कुत्ते काफ़ी लकी है एस किस्म के लिए। और दोनों ने हिडन अटैक का इस्तेमाल किया था, मतलब यार एलोरा पोकेमोन लीग में एस किस्म ने ग्लेडियन को हराने के लिए काउंटर का यूज़ किया और यहाँ पे एस किस्म के लुकायो ने अपने रिवर्सल का यूज़ किया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है, रिवर्सल एंड काउंटर दोनों अटैक जो है ना पावरफुल होते हैं जब तुम्हारे पोकेमोन वीक होते हैं। अच्छी बात है यार, काफ़ी अच्छी डिटेल है। और यार ये तो कुछ भी नहीं है, यानी कि दोस्तों एस वर्सेस लियोन से काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है, अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बाय बाय।